Welcome back to my channel. तो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक पेन होल्डर यूजिंग शटल कॉक बॉक्स। तो शटल कॉक बॉक्स क्या है ना, इसमें बहुत सारे शटल कॉक्स थे, मैंने डीमार्ट से ख़रीदा था, तो ये शटल कॉक इसमें सारे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा इसका हम क्यों ना पेन होल्डर बना लेते हैं। ये पेन और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है, ये ट्रांसपेरेंट है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पेन होल्डर की बात ही कुछ अलग होती है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने शटल कॉक का बॉक्स यूज़ किया, एंड मैंने सीजर यूज़ किया, ग्लू यूज़ किया, कार्डबोर्ड यूज़ किया, और मैंने पर्पल पेपर इसमें यूज़ किया। आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर का पेपर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास शटल कॉक का बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हो, और अगर वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो वो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हो। आपको इसे बनाने के लिए बस करना क्या है, कोई भी ट्रांसपेरेंट या फिर कलरफुल बॉक्स लेना है, उसे थ्री और पार्ट, मतलब आपको जितने पार्ट में उसे रखना है ना उतना कट कर लेना है। मुझे थ्री पार्ट में अच्छा लगा तो मैंने थ्री पार्ट में कट किया, और मेरे पास उतना बॉक्स भी था कि मुझे थ्री पार्ट में अच्छा लगता, तो मैंने इसे थ्री पार्ट में कट किया, और देन मैंने इसे ग्लू गन से इसे चिपका दिया। और इसके बाद मैंने इसमें किया क्या था, एक बड़ा रखा था, एक छोटा रखा था, एक उससे भी छोटा लगा था जिससे वो अच्छा लगे, और फिर मैंने ये जो बॉक्स था उसको चिपका दिया था। और मेरी जो वीडियो है ना वो एंड में ही आ जाएगी थोड़ा देर से, तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाना चाहिए और ये वीडियो मेरी कैसी है। सो फ्रेंड्स, अब मेरा पेन होल्डर एकदम रेडी हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको मुझे कमेंट करके बताना ये पेन होल्डर कैसा है, और जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। ओके, तो गुड लक।